Hi friends, welcome back to my channel. My name is Bijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो एक न्यूज अपडेट आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक न्यूज आ रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि TCS ने अपने एक फीमेल एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है जस्ट बिकॉज सी फाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट केस अगेंस्ट हर मैनेजर. ठीक है, तो इसके बारे में जो भी अपडेट आ रहा है, जो भी बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा इस वीडियो में. तो आई एम श्योर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगेगा एंड यू विल बी अवेयर के बेसिकली स्टोरी के पीछे क्या रीज़न है और क्या चल रहा है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी क्या है अभी तक के लिए. तो बेसिकली एक TCS फीमेल एम्प्लॉई है हु हैज़ गुड 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन TCS. उन्होंने काफ़ी टाइम बताया TCS में, और उन्होंने तकरीबन 5 साल पहले अपने एग्जिस्टिंग मैनेजर के अगेंस्ट एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल करा लेबर कोर्ट में. ठीक है, अब लेबर कोर्ट में ये केस चला तकरीबन 5 साल के अराउंड केस चला. हम सबको पता है टाइम लगता है इंडिया में, तो 5 साल के तरफ 5 साल के ड्यूरेशन पे ये सारी चीज़ें चली. और फिर रिसेंटली कांचीपुरम लेबर कोर्ट से ये अपडेट आया है कि जो केस फीमेल एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर के ऊपर लगाया है वो वैलिड नहीं है, और कोर्ट हैज गिवन द मैनेजर क्लीन चिट. ठीक है, अब द मोमेंट दिस कोर्ट डिसीजन वॉज डन, TCS ने उस फीमेल लेडी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया. ठीक है, और यही रीजन है कि ये न्यूज में आ रहा है आजकल के स्टेटिंग के एक एम्प्लॉय जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कराया उसके अगेंस्ट TCS ने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया है. अब TCS ने बकायदा रीजन बताया है कि क्यों टर्मिनेट किया. ऐसे नहीं है कि TCS ने साइलेंटली टर्मिनेट कर दिया हो या कुछ भी XYZ गलत वलत कुछ भी फैक्टर लगा दिया हो, जैसे कुछ भी रीजंस दे देते हैं जैसे परफॉर्मेंस रीजंस वगैरह वगैरह. ऐसे नहीं है, TCS ने बकायदा उसमें लिखा है. और बेसिकली TCS का कहना यह है कि दिस फीमेल एम्प्लॉई ने सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है राइट, उनमें एम्प्लॉई हैज़ सेड इंफॉर्मेशन, हैज़ सेड नेगेटिव थिंग्स अबाउट TCS. ठीक है, और यही रीजन है कि TCS ने इस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कराया हुआ है. अब जो लेटर पब्लिक में आ रहा है उस पर मेंशनड है ये स्टेटमेंट, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा. तो लेटर में ये मेंशनड है कि द लेटर स्टेटेड दैट हर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विद TCS एंडेड ड्यू टू हर कंडक्ट एट द वर्कप्लेस ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ पेंडेंसी ऑफ द एफोरमेंशनड अपील. ठीक है, तो बेसिकली कहना यही है कि इन्होंने गुड कंडक्ट नहीं करा और जब तक ये केस चला, और ऐसी चीज़ें करी सोशल मीडिया में जिससे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ है. और तो ये तो हो गई कंपनी के पार्ट पे. अब जो लेडी एम्प्लॉय ने चैलेंज किया है इस लेबर कोर्ट के डिसीजन को, और न्यूज़ में आ रहा है कि अब ये दैट विल अपील इट इन हाई कोर्ट. ठीक है, तो यही 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 प्रोग्रेस है अभी के लिए स्टोरी में. एंड रही बात सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये सारी चीज़ें, हर हमेशा कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चलती रहती है. एंड अब कौन सही कौन गलत आई डू नॉट नो, लेकिन हाँ जो गलत है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो सही है वो उसको सही ठहराना ज़रूरी है. अब नाउ रेस्ट इट्स ऑल लॉ, उस पर कमेंट करने की तो कमेंट करने का कोई फायदा भी नहीं है. तो बस यही 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 अपडेट था मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. माय थॉट के ये न्यूज़ में चल रहा है एंड यू गाइस शुड नो द एंटायर स्टोरी. तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज वेल.